चलो बुलाबा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलाबा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, आज है 7 अक्टूबर, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्लीज़ पहली बात तो आप आवाज़ को माइंड मत कीजिएगा, मेरे घर में काम चल रहा है तो इसलिए आवाज़ हो रही है, सभी पता है वैसे तो। और माता रानी की कृपा ऐसे ही आपके ऊपर बनी रही और मेरे ऊपर भी। और आज है और मैं आपको एक और शुभकामना देना चाहती हूँ, जो है अग्रसेन जयंती। आज है अग्रसेन जयंती और हम अग्रवालों की होती है अग्रसेन जयंती, तो आप सबको अग्रसेन जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी अग्रवालों को अग्रसेन जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। हर नवरात्रि के फर्स्ट डे अग्रसेन जयंती होती है, तो आज अग्रसेन जयंती और हम हैं अग्रवाल, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम अग्रसेन जी के वंशज हैं। तो अग्रसेन जयंती की जय, अग्रसेन महाराज की जय। तो बताइए फ्रेंड्स, पूजा हो गई आपकी? आपने पूजा कर ली? मैंने तो कर ली पूजा, देख सकते हैं आप तिलक लगा हुआ है, मैंने कर ली है पूजा। और आप लोगों ने भी कर ली है क्या तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बताइए आपके यहाँ क्या क्या होता है? हमारे यहाँ तो माता का मतलब पूजा होती है, जैसे कि बहुत लोगों के यहाँ माता को बैठा कर पूजा होती है, वैसे हमारे यहाँ नहीं होती। मैं आप लोगों को दिखाती कि हम कैसे करते हैं, लेकिन ना उस टाइम पर मेरी बेटी की क्लास चल रही थी तो मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाई कि हम लोग कैसे करते हैं पूजा, क्योंकि मोबाइल उसके पास था ना, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि हैं तो नवरात्रों में ना मुझे हरी हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है। और ना इसीलिए क्या हुआ, आज वैसे तो मैं नहीं ला पाती, कहीं मंदिर वगैरह जाती हूँ मैं इसे ला पाती हूँ, लेकिन आज पता क्या हुआ, आज पता है क्या हुआ, मेरी बेटी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग ना उसको डॉक्टर को दिखाने गए हुए थे। सुबह पूजा वगैरह करने के बाद गई थी मैं उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो फिर वहाँ रास्ते में चूड़ियों की दुकानें थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम्हें चूड़ी लेना है, तुम बोल रही थी तो ले लो, अब मौका मिला है तो ले ही लो। देखिए मैंने इस तरह की ये चूड़ियाँ ली हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं ना इनको पहनूंगी, फिर मैं आप लोगों को अपने हाथ दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। मतलब मैंने ये 12 चूड़ियाँ ले ली हैं, इसमें से मम्मी जी भी पहन लेंगी और मैंने भी पहन लेंगी, हम दोनों लोग पहन लेंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दोनों का साइज भी एक ही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाने में, तो हम दोनों मिलके मतलब पहन लेंगे इसी में से। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने हाथ इनको पहन कर। फ्रेंड्स, मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ये चूड़ियाँ, ये वाले हाथ में दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ना चूड़ियाँ, आप लोग बताना कि कैसी लग रही हैं आप लोगों को ये हरी हरी चूड़ियाँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब नवरात्रों में ही पहन पाती हैं, पैसा तो नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं लेकिन फिर थोड़ी सी अलग लगती है ना, इसीलिए तो नवरात्रों में ही पहन लेते हैं इनको। बताइए किस किस का फास्ट है आज और कौन कौन 9 दिन का व्रत रखता है नवरात्रों में? मैं 9 दिन का तो नहीं रखती हूँ, लेकिन जैसे कि आज माता बैठी हैं आज रखेंगे और लास्ट डे रखेंगे, ऐसे रखते हैं हम लोग। मतलब हमारे यहाँ नौमी पूछते हैं तो हम अष्टमी को रखते हैं। और 9 दिन का व्रत कौन कौन रखता है? पहले मैं भी रखती थी शादी से पहले, लेकिन अब तो नहीं रखती हूँ मैं, और शादी से पहले तो रखती थी मैं। जिसको भी रील्स देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना ज़रूर, इंस्टाग्राम पे मैं रील्स डालती हूँ, तो आप लोग फॉलो ज़रूर कर लेना मुझे। मेरी आईडी देखिए मेंशन हो रही होगी नीचे, आप लोग देख लेना। वैसे तो जो मेरा चैनल का नाम है माँ बेटी ब्लॉग्स, यही मेरी आईडी है, तो आप लोग इस पे जा सकते हैं और मेरी रील्स देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ना दुर्गा पूजा मेकअप लुक का एक वीडियो शूट कर लूँ पर टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी,
क्योंकि काम चल रहा है तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, और फिर उसके लिए थोड़ा सेटअप बनाना पड़ता है मेकअप वीडियो के लिए। तो फिर मैं देखती हूँ, शूट कर पाती हूँ तो करूँगी, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊँगी। और अगर आप लोगों को दुर्गा पूजा मेकअप लुक वीडियो देखना है तो मैंने अपनी पिछली साल वाली वीडियो का लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कि मैंने दुर्गा पूजा मेकअप कैसे किया था। इस बार नवरात्रों के लिए मैंने पता बहुत कुछ सोचा था कि मैं गुजराती मेकअप लुक करूँगी गरबा के लिए, और भी कई चीज़ें सोची थी पर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है इस बार। तो फिर मैंने ये जो हम सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए अब फिर कभी मैं ट्राई करूँगी गुजराती लुक, मुझे ट्राई करना है, मन है मेरा बहुत। तो मैंने सोचा था कि मैं मतलब नवरात्रों में ही करूँगी, नहीं कर पाई तो मैं बाद में फिर कभी कर लूँगी। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी, मैं भगवान जी की बुक के लिए शाम को क्या क्या बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ आज। अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, फिर मैं शाम को बनाऊँगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग मुझसे बताइए कि आप लोग के यहाँ भी मतलब इस बार माता बैठती, इस बार नवरात्रि में ही माता बैठती है ना। माता हमारे यहाँ तो जगह जगह बहुत सारी माताएँ बैठती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपना गणेश जी का वीडियो दिखाया था, जब हम गणेश जी देखने गए थे तो बहुत जगह गणेश जी बैठे हुए थे, इसी तरीके से माता भी बैठती है हमारे यहाँ। बहुत ज़्यादा रौनकें होती हैं बाज़ार में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम मिलेगा तो मैं भी जाऊँगी ज़रूर देखने, अगर हस्बैंड को टाइम मिलता है, क्योंकि हस्बैंड जी के साथ ही जाती हैं, अगर उनको टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी देखने के लिए, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो माता बन रही हैं, माता बनती हैं, माता की मूर्ति जो बनती है वो बनने के बाद में बाज़ार में मतलब लग जाती हैं, फिर सब लोग उन्हें लेने आते हैं। जैसे कि जो माता को बैठाते हैं वो लोग उन्हें लेने आते हैं बाज़ार में। हमारे यहाँ एक जगह है वहाँ बहुत मतलब पूरा मार्केट में माता मिलती हैं वहाँ, और बहुत ज़्यादा रौनक होती है वहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं मतलब कल ना कहीं गई हुई थी तो मैंने सोचा रास्ते में आप लोगों के लिए मैं शेयर कर लेती हूँ, और जिससे मैं आप लोग को दिखा पाऊँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, अब ये देखिए आप लोगों को ये आई लव ग्वालियर लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये हमारे यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, ये अभी कुछ दिन पहले ही बना है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पिक वगैरह निकलवाते हैं लोग। अब मैं आपको माता रानी दिखा देती हूँ, यहाँ से पूरा मतलब मार्केट स्टार्ट है। यहाँ बहुत सारी माता रानी सब रखी हुई थी, यहाँ से लोग ले जाते हैं, जो लोग माता वगैरह बिठालते हैं ना वो लोग ले जाते हैं। देखिए बहुत सारी थी, मैंने कुछ कुछ तो आप नहीं शेयर कर पाई मैं आप लोगों के साथ। चारों तरफ मतलब यही माता रानी, माता की चुनरी, मतलब माता का नारियल वगैरह जो सब होता है ना, सबकी दुकानें थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए मैं कुछ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। ये मेरी बेटी है ना, इसकी आज बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है, हंस रही है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो रही है, थोड़ी सी इसकी तबीयत सही नहीं है ना, तो इसीलिए। अब देखिए बच्चों की जो तबीयत, अगर रासी भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मायूस से हो जाती हैं, तो कुछ खा भी नहीं रही है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो मैंने भजन गाया है ना, चलो बुलावा आया है, अगर आप लोग ये भजन इस नवरात्रि पूरा सुनना चाहते हैं मुझसे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। पूरा भजन आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से सुनाऊँगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मैं सुनाऊँ या ना सुनाऊँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये माता रानी का भोग है, ये मैंने माता रानी का भगवान जी का प्रसाद बनाया है। साबूदाने की खिचड़ी है, आलू का हलवा है, कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ हैं, और है आलू की सब्ज़ी। मैंने इतने ही आइटम बनाए थे बस, क्योंकि ना व्रत में तो ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है ना, तो मैंने बस इतने ही आइटम बनाए थे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।